रोहतास में लोहे के पुल की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक एसटीओ और एक स्थानीय आरजेडी नेता को गिरफ्तार किया है। नासिरगंज थाना क्षेत्र में स्थित आरा मुख्य नहर के अमियावर गांव के पास लोहे के जर्जर पुल के अवशेष की चोरी के मामले में 8 अपराधी पकड़े गए हैं। पुलिस ने चोरी की घटना में इस्तेमाल किए गए एक जेसीबी, एक पिकअप गाड़ी, 2 गैस सिलेंडर, 2 गैस कटर और नगद 3100 रुपए बरामद कर लिए हैं। उधर मामले का खुलासा करते हुए रोहतास एसपी आशीष भारती ने बताया, 150 फीट लंबे लोहे के पुल के अवशेष की चोरी के मामले को रोहतास पुलिस ने काफी गंभीरता से लेते हुए खुलासा कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एसआईटी टीम का गठन कर चोरी के मास्टरमाइंड एसटीओ को दबोच लिया गया है। कनिया अभियंता सोन नहर अवर प्रमंडल नासरीगंज के लिखित आवेदन के आधार पर नासरीगंज थाना कांड संख्या 45/22 दर्ज किया गया तथा इस मामले में काफ़ी गंभीरता से लिया गया और मेरे द्वारा स्वयं वहां पर पहुंच करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया और सभी पुलिस पदाधिकारियों को अनुसंधान हेतु तथा गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। एसडीपीओ विक्रमगंज के नेतृत्व में इस एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसके द्वारा इस मामले के उद्भेदन तथा इसमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी और बरामदगी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि इस मामले में नासरीगंज जो सोन अवर प्रमंडल है उसके जो एसडीओ है राधे श्याम सिंह और उनके इशारे पर अन्य अपराध कर्मियों के द्वारा इस मामले को, इस घटना को कारित किया गया है। तो इस मामले में एसडीओ जो है राधे श्याम सिंह उनकी गिरफ्तारी की गई है, साथ में 7 अन्य अपराधियों की भी गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि चोरी को लेकर जिस एसटीओ ने मामला दर्ज करवाया था उसी ने चोरी करवाई थी। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार को बदनाम करने के लिए तेजस्वी साजिश रचते हैं। देखिए, राजद नेता पहले अपने कार्यकर्ताओं से सरकारी काम में बाधा पहुंचाते हैं, अपराध कराते हैं और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ट्वीट करते हैं कि भाई फला घटना बिहार में घट गई। अब रोहतास के ही मामले को देख लीजिए, पहले राजद नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं से सरकारी पुल की चोरी करवाई, फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट किया और कहा कि देखिए भाई यहां पुल चोरी हो जाता है और जब पकड़े गए तो अब चुपचाप बैठे हैं। देखिए, बिहार में जो आपराधिक वारदात हो रहे हैं उसमें 70% आपराधिक वारदात में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का हाथ है। सरकार को बदनाम करने के लिए वो इस तरह का काम करते हैं। दरअसल इस मामले के सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला था, लेकिन इसमें आरोपी के तौर पर आरजेडी नेता के पकड़े जाने के बाद से वो निशाने पर हैं। उधर लोहे के पुल की ऐतिहासिक चोरी के मामले में पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया है और उन्हें पूछताछ के बाद जेल भेजने की तैयारी है। न्यूज़ लाइफ डेस्क, पटना।